हमारे पास एक 50 वाट का एलईडी बल्ब, ये हमारा एलईडी बल्ब गिरने की वजह से बंद हो चुका है और हमारे इसमें खड़खड़ाहट की आवाज़ भी आ रही है, तो इसको आपको रिपेयर करके दिखाएंगे। सबसे पहले इसको मैं पावर लाइन से कनेक्ट करके यहाँ इसको दिखा देता हूँ कोई वोल्टेज आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए हमको मेन लाइन से कनेक्ट करना होगा, जो कि मेरे मेन लाइन पर पावर आ रहा है इंडिकेटर। उसके बाद मैं यहाँ से इसको प्लग इन कर दूँगा, तो यहाँ से मैं इसको प्लग लगा देता हूँ। और इसके बाद इसमें इसका जो आउटपुट वोल्टेज है, हम इसको चेकिंग करेंगे मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर को आपका 200 या 1000 रेंज डीसी मोड पर सिलेक्ट करके रखना हो। चलिए मैं 200 पर कर लेता हूँ, 200 पर कर लिया है मैंने। इसके बाद जो लाल वाला वायर होगा मल्टीमीटर का, वो प्रॉप इसको आपके प्लस वाले पॉइंट पर लगाना है। इसके बाद ये काले वाले तार को काले वाले तार के साथ लगाना है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव को ध्यान में रखते हमने सब लगाया। इसके बाद हमारे यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं दिखा रहा, इसके बाद हमारा वोल्टेज आउटपुट नहीं कर रहा। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको आपको जो इसके यहाँ से एक कॉर्नर है, इसको हल्के हाथों से ऊपर की ओर करना होगा, ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद जो इसमें ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है, तो ड्राइवर सर्किट को हमको निकाल लेना होगा। तो जो इसमें टूटा हुआ कंपोनेंट दिख रहा है, टूटा हुआ हमारा इंडक्टर कॉइल लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से इसका सोल्डरिंग भी हटा देंगे हो सकता है। चलिए यहाँ से इसका सोल्डरिंग आउट कर देते हैं। वहाँ सोल्डरिंग ना हटाते हुए मैंने यहाँ से इसका सोल्डरिंग आउट कर दिया, जो दो वायर लगी हुई थी, तो यहाँ से इसके दो वायर को हमने छुड़ा दिया। इसके बाद जो हमारा ड्राइवर सर्किट आ जाता है, बाहर आ जाता है, और देखिए हमारा आउटपुट में वोल्टेज ना दिखाने का एक कारण ये भी है कि इसका ब्लैक वाला वायर आउट हो चुका था। तो यहाँ से हमारा ब्लैक वाला वायर टूट चुका है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से हम ब्लैक वाले वायर को जोड़ दूँगा फिर से। तो इस ब्लैक वाले वायर को जोड़ने से भी हमारा आउटपुट वोल्टेज तब तक नहीं आएगा जब तक हमारा इंडक्टर कॉइल सही से लगेगा नहीं। तो इंडक्टर कॉइल को हमें फिर चेक करना होगा, उसके पहले हम ब्लैक वाले वायर को जोड़ दें। तो यहाँ पर देखिए मैंने ब्लैक वाले वायर को जोड़ा ही है, साथ में क्या किया है कि ब्लैक वाले वायर को जोड़ने के बाद साथ मैंने ये किया है कि ये जो एसी इनपुट का सप्लाई वायर है उसको मैंने कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सप्लाई के लिए 2 पॉइंट, रेजिस्टेंस के 2 पॉइंट पर सप्लाई इनपुट होगा, उसके बाद हमारा आउटपुट में चला जाएगा। और आउटपुट में जाने का मतलब मेरा क्या है कि ब्रिज रेक्टिफायर पर जाएगा। तो यहाँ सप्लाई होते हुए रेजिस्टेंस के दोनों, देखिए रेजिस्टेंस का आउटपुट वाला पॉइंट ये है, इससे हमारा ब्रिज रेक्टिफायर पर लाइन आया। ब्रिज रेक्टिफायर से हमारा यहाँ से और भी कंपोनेंट्स के माध्यम से हमारा यहाँ पर ये हमारा स्विचिंग करके वोल्टेज जितना गुजरता है उतना आउटपुट करवाएगा। यहाँ पर हमारा इंडक्टर कॉइल नहीं जाएगा तब तक हमारे यहाँ पर सप्लाई नहीं आएगा। फिर भी एक बार मैं इसको सप्लाई देके टेस्टिंग करके आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए क्या करना होगा, पूरा जूम आउट हटा दूँगा। इसके बाद देखिए मैं यहाँ पर ये वाला वायर कनेक्ट करके रखा हूँ, उसके बाद यहाँ से मैं इसको सप्लाई दे देता हूँ। हल्का सा बल्ब जल रहा है, और अब इसका वोल्टेज हम एक बार मेजर कर लेते हैं कि आखिर हमारा कितना वोल्टेज आउटपुट में मिल रहा है। 200 रेंज पर डीसी मोड पर सेलेक्ट करके रख सकते हैं, और या फिर 1000, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए लाल वाले प्रोब को हम प्लस पर लगाएंगे और नेगेटिव को नेगेटिव पर लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही हल्का सा वोल्टेज, यहाँ पर हमारा 23 वोल्ट लगवा हुआ है, 24 ऐसा दिखा रहा। चलिए एक बार इंडक्टर कॉइल को चेक करेंगे। इंडक्टर कॉइल को चेक करने के लिए मैं आपको प्रोसेस जो बताऊँगा, मल्टीमीटर को कंट्रोल ट्रेस पर लगा कर रखना होगा। इसके बाद देखिए आपको इसमें ध्यान से देखना होगा कि इसमें हमारा यहाँ पर कोई भी वायर कनेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं नहीं देख पा रहा, कोई भी वायर मेरा कनेक्टेड नहीं बता रहा, और यहाँ से यहाँ एक कनेक्ट है और यहाँ से यहाँ कनेक्ट है। तो इस वाले पॉइंट पर हम चेक करेंगे, ये हमारा कॉमन है, इससे मेरा कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा, यहाँ पर मेरा बीप मिल जाता है, इसका मतलब मेरा ये कॉइल सही है। और इसके बाद इस साइड पर चेक करेंगे, कोई बीप नहीं, इस साइड से साइड चेक करेंगे, कोई बीप नहीं, इसका मतलब हमारा ऐसे ही लगा है। इसमें नॉट कनेक्शन NC मान सकते हैं, मतलब नॉट कनेक्शन। यहाँ पर हमारा ये 2 पॉइंट पर कॉइल है और यहाँ से हमारा काम करेगा। अब मैं क्या करूँगा, जो इसमें यहाँ जहाँ पास ये लगा हुआ था, तो यहाँ पास ये लगा हुआ था, इसका जगह भी यहाँ पर दिख रहा है, एक पॉइंट यहाँ, ये कॉइल यहाँ पर है और ये हमारा NC है, इस सेट का जो तीसरा पिन। चलिए इसका होल को हम सही कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पर फिक्स करते हैं। इस होल को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना होगा, उसके बाद आपको, चलिए मैं इसके दोनों वायर जो लगे हैं LED वाले इसको हटा दूँगा पहले। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको साफ़ सफाई करूँगा, मतलब इसके होल को अच्छे से क्लीन करेंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इंडक्टर को लगा देंगे। तो आप इस प्रकार से ठोक फिर कर इसका रंगा हटा सकते हैं, और इसके बाद आपको लगा देना होगा। चलिए यहाँ पर हमने साफ सुफ कर लिया है, इसके बाद मैं इसको लगा दूंगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से लगेगा जिस तीसरे वाले पॉइंट पर, और ये कॉइल वाले पॉइंट यहाँ पर रहेंगे।
यहाँ पर इसको ऐसा लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर सोल्डरिंग करके एक बार इसका जो जो हमने वायर हटाया था, शायद आपको नहीं दिख पा, जो वायर हमने हटाया था उसको भी हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पास हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं, अच्छा तरीका सोल्डरिंग कर देंगे तो ये आपका निकलेगा नहीं। तो अब यहाँ पर मैं इसको ये तीसरे वाले पॉइंट को सोल्डरिंग कर देता हूँ, फिर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर मेरा इंडक्टर लग चुका है, इंडक्टर अच्छा तरीके से लगने के बाद इसके हम क्या करेंगे, इसमें आउटपुट वाले पॉइंट है मतलब प्लस को प्लस और माइनस को माइनस हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो मेरा प्लस इस साइड है और माइनस इस साइड, तो प्लस को प्लस इस साइड जोड़ेंगे, माइनस को माइनस इस साइड जोड़ेंगे। तो यहाँ पर मेरा प्लस वाला वायर साइड जुड़ चुका है, नेगेटिव वाले वायर को फिर जोड़ देंगे। नेगेटिव वाले वायर को जोड़ने के बाद इसको मैं इस प्रकार से कर दूंगा। चलिए इसी प्रकार से कर देते हैं, पावर लाइन से कनेक्ट करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर मैं इसको पावर दे दिया हूँ, तो यहाँ पर हमारा फुल रोशनी साथ हमारा एलईडी बल्ब ग्लो कर चुका है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको ऐसा करके दिखा दूँगा, बहुत ही हाई लाइट हो जाता है, बहुत ही हाई लाइट आ चुका है, ब्लर थोड़ा सा कैमरे के इफेक्ट वजह से हो रहा है। इसका आउटपुट वोल्टेज एक बार हम आपको चेक करवा देंगे, और क्या है आँख ही ब्लर हो जाती है, आँखों में बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है, इसलिए मैं इसको नीचे को रख के यहाँ पर इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करवा दूँगा। पावर दे दिया हूँ, बहुत ही हाई रोशनी पर हमारा एलईडी जो है ग्लो कर चुका है। मल्टीमीटर को आप 200 DC या फिर 1000 DC मोड पर सेलेक्ट कर रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन उससे कम में आप चेक नहीं कर पाएंगे। मल्टीमीटर को 200 DC DC पर मैंने रखा है। जो हमारा लाल वाला प्रॉप होता है हमारा पॉजिटिव का होता है मतलब प्लस वाला पॉइंट, और काला वाला माइनस का। तो काले वाले को हम माइनस वाले पॉइंट पर लगाए हुए हैं, आपको मैं सही से दिखा पा रहा हूँ, और ये और इस प्लस वाले पर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारा 119 120 के लगभग हमारा वोल्टेज दिखा रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हमारा 50 वाट का एलईडी बल्ब है, तो इसलिए थोड़ा वोल्टेज इतना ही रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखेंगे इस पर लेटेस्ट वीडियो देखने के बाद देखने के लिए। और फेसबुक पेज पर यदि इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पेज को फॉलो करके रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रॉपर तरीके से फिटिंग तो कर दिया है, मैंने वहीं से सिर्फ इसका सोल्डरिंग हटाया था, तो यहाँ पर जो थोड़ा सोल्डर लगा हुआ है इसको मैं हटा लूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद मैं इसको होल्डर से एक बार कनेक्ट करके आपको दिखा दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप और लोगों को भी शेयर करेंगे, जिससे कि उन लोगों को भी जानकारी मिलेगा। अगर उनका बल्ब गिर जाता है तो इस प्रकार से ऑन हो जाता है, उसका कंपोनेंट जो टूट जाता है उसको आपको ये शायद होल्डर में हमारा नहीं जल पा रहा। चलिए मैं इसको होल्डर से अच्छा तरीके से चलाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको मैं एक बार क्या करेंगे कि होल्डर से नहीं चल पा रहा, इसको मैं ऐसे ही डायरेक्ट दो वायर के माध्यम से इसको टच करके चालू करके दिखा दूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको टच कर रहा हूँ तो जल जा रहा था, इसका मतलब क्या, यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है अच्छे तरीके से अभी नहीं लगा हुआ है, और थोड़ा शोल्डर इसमें होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं दोबारा खरोच के अच्छे तरीके से शोल्डर किया हूँ, और इसके बाद फिर से एक बार पावर लाइन से कनेक्ट करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये हल्ड हो जाता है, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं इसको अच्छे तरीके से कनेक्ट करता हूँ एक बार। तो यहाँ पर मेरा प्लग डिस्टर्ब कर रहा था, अभी हमारा बल्ब पूरे फुल रोशनी के साथ ग्लो कर रहा है, आपको कैमरे को जैसे दिख रहा है, बाकी कोई भी दिक्कत नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों को भी शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इस प्रकार की जानकारी मिल सके। कोई बल्ब गिर जाता है उसका ये कंपोनेंट अगर टूट जाता तो आप इसको दोबारा से रिफिक्स कर देंगे तो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।